Dear friends, I visited Green Valley Hills Homestay at Chail Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh in April 22. तो यहाँ पे है हम लोग ग्रीन वैली हिल्स जी। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। तो हम आपके जी यहाँ पे होम स्टे में तीन दिन रुकना चाहते हैं। वेलकम सर। वेलकम। तो आप हमें दिखाइए आपका जी। सर ये हमारा अपना घर है, शर्मा निवास। जी शर्मा निवास, ये हमारा अपना मेन घर है। हाँ। यहाँ हम लोग ठहरते हैं। हाँ। और ये हमारा किचन है सर सामने। अच्छा। देखिए ये खाना वगैरह का जो भी हमारा इंतजाम है। हाँ। जो भी आप तीन दिन खाएंगे। हाँ। वो यहीं से बना के हम आपको सर्व करेंगे। अगर आपको यहाँ के खाना है तो यहीं हम खिला देंगे, और नहीं तो वो हमारा गेस्ट रूम है, वहीं पर आपको जो है ना सारा अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, गेस्ट रूम किस तरफ है? हाँ, ये सामने से। और कितने हैं गेस्ट रूम अभी? सर ये हमारे पास 6 रूम अवेलेबल है। ओके जी जी ओके जी। 2 3 नमस्ते, शर्मा परिवार में आपका स्वागत है। ये हम हिमाचल प्रदेश चायल में एक छोटा सा गांव है छनखर। यहाँ हम 30 साल से रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ 4 पीढ़ियाँ रह रही है। ये मेरे परदादी हैं, वो मेरे दादी हैं, वो मेरे मम्मा और मेरी चाची हैं, और ये मैं और मेरी कजन्स हैं, और वो मेरे दादू और जी। नमस्ते दादी। दादू है और ये मेरे चाचू हैं। अच्छा, आप दादू और चाचू जी का नाम बताएं, साथ में इनका दादी का और इनका भी बता दीजिए। मेरे दादू जी का नाम श्री राम स्वरूप शर्मा है, और मेरी दादी का नाम श्रीमती सुमन शर्मा है, और मेरे बुढ़े दादू का मतलब परदादू का परदादी का नाम श्री बेसरू देवी है, और ये मेरे चाचू हैं, इनका नाम श्री रविकांत शर्मा है। नमस्ते जी। ओके, धन्यवाद, आपने बढ़िया जानकारी दी परिवार की। इतना बड़ा परिवार देख के बहुत अच्छा लगा। 2 3 आइए सर। हाँ, तो रवि जी ये क्या है आपका? सर ये हमारा मेन एंटर होते ही हमारा जो है ना टोटल डाइनिंग एरिया है। हाँ। पेंट्री। ओके पूरा। हाँ। जी ओके, तो यहाँ पे डाइनिंग हो सकता है गेस्ट का? हाँ, ये टोटल की टेबल लगाया, चेयर लगी है। हाँ। यहीं पर जो है ना आपका टोटल डाइनिंग का खाना ओके चलेगा। और सामने जो दरवाजा दिख रहा है वो आपको, ये आपका मेन एंट्री है सर। हाँ, ये मेन एंट्री है जी। और सामने एप्पल ऑर्चर्ड भी दिख रहा है। वो सामने फ्रंट पे एप्पल ऑर्चर्ड है। रवि जी क्या कमरा दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए सर आइए। अच्छा, तो ये क्या कमरे का कीमत अभी सीजन के लिए कितना सर? सीजन के लिए हमारा मैक्सिमम जो चलता है वो चलता है 2500-3000 तक भी निकल जाता है। ओके, तो बाकी जो ऑफ सीजन है उसमें अप डाउन चलता ही रहता है। अच्छा जी। और ये है? हाँ जी, ये कमरा है, बाथरूम है, अलमीरा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि रवि जी का बैठे बैठे जो है पूरा एप्पल ऑर्चर्ड, ये कमरे से ही आपको इस तरफ व्यू मिलेगा। तो ये व्यू है, पीछे पाइन के पेड़ है, और उसके पीछे पहाड़ में सनसेट होता है, सबसे बढ़िया सनसेट। ये जो जगह है बैठने के लिए, ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है। आप बाहर आके बैठ सकते हो, चाय खाना जो भी है, फ्रेश एयर जो है ना, फ्रेश एयर यहाँ से है। जब लगेंगे तो यही सामने जो है ना एप्पल लटके हुए नजर आएंगे आपको। ओके, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बाहर निकलती है, ये फूलों की छोटी छोटी कैरी यही है। और यहाँ से आप गार्डन में जा सकते हैं। तो क्या रवि जी आप हमको गार्डन दिखाएंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए, तो ये है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड, देखिए सर, जो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हम लोग इस पे खाद स्प्रे कुछ नहीं यूज करते। तो ये देखिए हमारी जो फसल लगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे एप्पल। ओके जी, तो ये कब तैयार हो जाएंगे एप्पल? ये आपका जो है अगस्त में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा ये एप्पल ना हमारा। अच्छा, तो और एक चीज और बताता हूँ आपको, आप हाँ। सोच रहे होंगे कि ये जो है ना हम लोगों ने बीच में ये लगा रखी है, ये चीज जो गैप है वो इसलिए कि जो हमारा एप्पल है जो बीच में अंदर एप्पल लगे होंगे अगर वहां तक धूप नहीं पहुंचेगा तो वो कलर जो है ना एक्चुअल में आएगा नहीं, उस पे लाल नहीं आता। हाँ, वो रेड नहीं हो पाएगा,
और अगर वो रेड नहीं होगा तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए जो है ना स्प्रे का यूज करते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये किया है ताकि इस पे स्प्रे जो है ना बिल्कुल ना हो। अच्छा जी, और ये क्या प्रजाति है एप्पल की? रॉयल? हमारा रॉयल है सर ये पौधा, जो है ना 20 साल में जो है ना सेब देना स्टार्ट करता है। अच्छा, और उसके बाद लगभग 150 साल जो है ना ये प्लांट चलता है हमारा। बढ़िया बढ़िया, तो ये बाकी सारे एप्पल के हैं? ये हाँ, ये टोटल हमारा एप्पल है सर। तो ये कितने लगभग पेड़ होंगे? ये हमारे पास लगभग 1000 के करीब जो है ना पौधे हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। ये हमारे पास 5-7 वैरायटी इसकी है, तो मैं अलग अलग आगे भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटी हमारे पास है। ठीक है, और ये नीचे के लेवल में क्या लगाया है? तो सर ये देखिए हमारा जो मटर है, ये हमारे मटर के पौधे हैं, और साथ में इसमें हमने जो डाला है वो गाय का गोबर पूरा, ताकि खाद वगैरह जो है ना वो हर चीज से हम लोग बच सकें। अच्छा, तो ये मटर आएगी कब? बस ये जो है ना अभी 10-15 दिनों में रेडी होने वाली है। ये देखिए हमारे जो है ये फ्लावर इसमें आ चुके हैं, और बस ये जो है ना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अगले 10-15 दिनों में जो है ना ये हमारा स्टार्टिंग इसका हो जाएगा। ओके ओके, ये देखिए सर ये हमारा चेरी चेरी का प्लांट है, और मैं आपको शो करता हूँ कि चेरी कितनी लगी है हमारे इस प्लांट पे। ये देखिए, ये देखिए पूरे पे जो है ना चेरी। ओके, जितना भी फ्रूट हम लोगों के पास है वो टोटल ऑर्गेनिक। ओके, तो ये लाल हो जाएगी? हाँ, अभी बस जो है ना अगले 8-10 दिन में जो है ना बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। यार रवि जी, ये पौधा कौन सा? सर ये है हमारा प्लम का प्लांट है ये हमारा, हम लोगों का। अच्छा, तो इस वैरायटी का नाम है ब्लैक अंबर। ब्लैक अंबर जी। तो ये हमारे पास 3-4 किस्म की वैरायटियां इसी के साथ की है, तो मैं आपको इसका फ्रूट दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रूट कितना बड़ा हो चुका है। ओके, तो ये कब पकेगा? सर ये अगले 1 महीने में जो है ना रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो और जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि इसको जो है ना मैक्सिमम जो कैंसर के लिए दवाई होती है उसके लिए यूज कर रहे हैं, या मतलब कैंसर को दूर भगाने के लिए उस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके ओके गुड। सो रवि जी, ये कौन सा है छोटा? सर ये वैरायटी जो है एक्चुअल में इटली वाली वैरायटी है हमारे पास। तो ये जो वैरायटी होती है ये जो है ना आपका सेम ईयर में जो है ना आपको फसल देनी स्टार्ट कर देती है। पिछले साल मैंने लगाया था, पिछले साल भी इस पे सैंपल आया था, लेकिन इस साल देखिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरे पे, इस पे जो है ना पूरे पे सेब आया है। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। राइट, तो ये पूरे में जो है ना इसमें एप्पल आपको पूरे पे मिलेगा। तो इसका टाइम कम है जैसे आप लगाते? हाँ, इसका लाइफ टाइम जो है ना थोड़ा सा कम है। ये जो है ना 20 ईयर्स में जो है ना क्लोज हो जाती है वैरायटी। अच्छा, ये 20 साल में आपका खत्म हो जाएगा। ओके, इटालियन एप्पल। हाँ, ये इटालियन एप्पल। रवि जी ये क्या है? ये सर हमने एक मचान बनाई है खेत में, जो थोड़ा सा बीच में आके किसी को यहाँ आके बैठना हो, अपना पार्टी करना हो, उसके लिए, और यहाँ पूरे एप्पल में ऑर्चर्ड में बीच में बैठ के जो है ना पूरे इसका फील लेना हो, तो उसके लिए हमने ये बनाया है। ओके जी, ओके। रवि जी ये कौन सा पेड़ है? सर ये है हमारा पीच का। अच्छा, आड़ू जो जिसे कहते हैं हमारी यहाँ की लैंग्वेज में। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ जो अभी हमारा इसमें फल लगा है, ये देखिए। ओके, इस पे भी वही है, जिस तरफ को धूप आपका पड़ रहा है वो देखिए वो साइड बिल्कुल रेड हो गया। ओके, और जो इसका दूसरा साइड है वो अभी जो है ना ग्रीन है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए वो एप्पल में भी हमने किया है। अच्छा, ताकि इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े। ओके ओके, तो ये कितना पुराना पेड़ होगा? इसको सर ये भी लगभग 4-5 साल का है। अच्छा अच्छा, ओके। सो रवि जी ये कौन सा पेड़ है? सर ये हमारा नाशपाती का पेड़ है। ये काफी बड़ा है। हाँ, ये लगभग 15 साल पहले की वैरायटी थी। अच्छा, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी वैरायटियाँ पुरानी होती थी। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे जो है ना ये पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। अच्छा, जो अभी लेटेस्ट वैरायटियाँ आई है। हाँ, वो पुराने वाले पूरा हटा के इसके ऊपर दोबारा से कलम की। अच्छा, फिर वो टोटल कन्वर्ट कर दिया। ओके ओके, तो आपने रीप्लांटिंग? हाँ, ये टोटल रीप्लांट। अच्छा, तो रवि जी ये क्या लगाया छोटा छोटा? सर ये एक्चुअल में गेहूं है। अच्छा, ये जो हमने सर्दियों में लगाया, सर्दियों में क्योंकि जैसे बर्फ गिरती है हम लोगों के, तो जो हमारे पास गाय है उनको खाने के लिए कुछ चारा होता नहीं है हरा, तो उनको देने के लिए हम लोगों ने ये बनाया। अच्छा, ताकि वो जो है ना उनका डाइट चला है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रवि जी, ये क्या है बड़ा सा? ये है हमारा गोबर। हाँ, जो हमारी गाय है, 4 गाय। हाँ, तो ये गोबर हम इकट्ठा करते हैं। हाँ, मतलब 1 साल ये जो है ना जमा रहेगा। हाँ, फिर जब ये टोटल सड़ जाएगा फिर हम इसको पूरे खेतों में डालेंगे। अच्छा, जिससे जो है ना हम लोगों को बिल्कुल ऑर्गेनिक जो भी फसल हो बिल्कुल ऑर्गेनिक निकले। राइट, तो उसमें कोई भी, हाँ, कोई भी केमिकल, कोई भी केमिकल नहीं जाएगा। बिल्कुल कोई भी केमिकल ना जाए, आपके जो भी फल है वो पूरे ऑर्गेनिक रहेंगे, 100% कोई भी उसमें केमिकल नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये
क्या लगा है नीचे प्लास्टिक के अंदर? ये जो है ये लगी है हमारी शिमला मिर्ची। अच्छा, ये चीज है। तो ये जो प्लास्टिक लगा है, ये एक्चुअल में हमने इसलिए लगाया ताकि एक तो इससे मॉइस्चर जो है ना बना रहेगा, मॉइस्चर उड़ेगा नहीं, और सेकंड पर्पस इसको लगाने का है कि इन पौधों के नजदीक जो है ना घास जो है ना निकलेगा नहीं। अगर वो घास निकलेगा तो उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को स्प्रे करनी पड़ेगी। तो वो चीजें जो है ना इसको इस फसल को 100% ऑर्गेनिक रखने के लिए हमने जो है ना ये लगाया है ताकि इसके नजदीक कोई घास वगैरह जमा ना हो। ओके, तो ये सब काम करना पड़ता है? हाँ, ये करना पड़ेगा अगर आपको उसको ऑर्गेनिक रखना है तो। ओके जी, जी जी, बताइए। मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूँ जो केवल हमारे पहाड़ों पे मिलेगी। ये हमारी जंगली बेरी है, देखिए। अच्छा, ये बिल्कुल आपको रेड रेड नजर आ रहा होगा। हाँ हाँ, ये देखिए, ये टोटल। ओके, तो ये जो है ना खाने के लिए, ये भी जो है ना इसको कहते हैं कि कैंसर के लिए ये अगर खा सके तो इससे जो है ना कैंसर होगा नहीं आपको। ओके, मैक्सिमम जो है आपको जंगली बूटियां जो भी मिलेगी वो कैंसर से रिलेटेड ही पहाड़ों पे मिलेगी। मतलब ये प्रिवेंटिव है। हाँ, ये देखिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ओके, और ये बहुत मीठा है। अच्छा, लाजवाब, एक आपको भी देता हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, ये देखिए, क्वाइट गुड। अच्छा, ये ग्रीन वैली हिल होम स्टे का खाना है। ये बढ़िया ताज़ा सब्जियों से बनाया गया, और नाश्ते में यहाँ पे इनका होममेड बटर और दही, ये बड़ा लाजवाब है, और इसके साथ पराठे।